अगर तुम ये मूवी देख के घर से बाहर निकले और तुम्हारे आगे 10-12 लौंडे ग्रुप बना के तुम्हें मारने आ रहे हैं, तो तुमने ऐसा क्या किया कि 10-12 लौंडे तुम्हें मारने आ रहे हैं? खैर, अगर मारने आ भी रहे तो तुम्हारे अंदर ये मूवी इतना गूदा भर देगी कि तुम उन पे टूट पड़ोगे। तो क्या तुम्हें भी इस मूवी के सीक्रेट जानने हैं? तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ क्रोज जीरो से। जीरो को मतलब है कि मुझे नहीं पता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्कूल में आप अपना ओहदा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा स्कूल में, फीस के हिसाब से देख के लीजिएगा स्कूल। चलिए अब आप स्कूल में आ गए तो स्कूल में हमेशा जेब में हाथ डाल के चलिएगा। कोई बुलाए तो अटेंड में जवाब ना दे, सिर्फ आपका हाथ बोलना चाहिए। सबसे पहले किसी कमजोर क्लास में घुस के उसके लीडर को हरा के उसे अपने अंडर ले ले और फिर इसे रिपीट करे, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज एक बार करते हैं तो बार बार करने का मन करता है। अगर कोई लीडर अंडर नहीं आना चाहता तो अपने जीएफ से बोल के एक ब्लाइंड ग्रुप डेट फिक्स कराइए। कोशिश करे कि उसी रात तक के लीडर को ऑर्गेज्म हो जाए। अगर हो गया तो मान लीजिए वो इंसान आपकी टीम में आ गया। अगर आके घुसे पड़ने पर इंसान ऐसे 3 बार पटकी खा के ना गिरे तो आप इस स्कूल के लायक नहीं। इस्तीफा, अगर आप ऐसे जर्मन सुप्लेक्स नहीं मार पाते तो इस्तीफा। अगर आप सिर्फ मन की ताकत से ऑर्गेज्म नहीं अचीव कर पाते तो इस्तीफा। फिर अब आप जाके ऐसे लड़के को ढूंढे जो अपने बाल हाईलाइट कराए हो, क्योंकि हाईलाइट कराए वाले लड़के हमेशा बैड एस होते हैं। उससे अकेले मिले, क्योंकि अकेले नहीं मिलेंगे तो वो आप पर गैंग अप नहीं कर पाएगा, जो कि उसका करना जरूरी है क्योंकि वो आपका टेस्ट लेना चाहता है। ये सब मुझसे ना पूछो कि कहां किस रूल बुक में लिखा है। और अगर हमारे नहीं जाएंगे तो भाईचारा कैसे दिखेगा? फिर बस आपकी टीम पूरी हो गई, आराम से सिगरेट पीजिए। अब आप स्कूल के टॉप लड़के से लड़ने के लिए तैयार है। लड़ाई शुरू होने पर ध्यान रखे कि अगले दिन का मौसम देखे कि बारिश होने वाली है कि नहीं। अगर नहीं हुई तो प्लीज पोस्टपोन इट, बिना बारिश की लड़ाई में वो फील नहीं आता। सब एठन में चले और छाता एक साथ फेंके। अगर आप टॉप गैंग के लीडर है तो ध्यान रहे कि हमेशा यूनिक छाता ले और बेहद आराम से उसे रखे, क्योंकि पता नहीं क्योंकि लड़ाई करते समय अपने दोस्तों से बात जरूर करें। इससे आपको कैमरे से शूट करना आसान होगा अगर कोई कर रहा हो तो। ये लड़ाई यूट्यूब में डाल के खूब पैसा कमा सकते हैं आप। लड़ाई के एंड में सिर्फ दोनों गैंग के लीडर खड़े होने चाहिए। अगर आप लीडर नहीं है और आप अभी भी खड़े हैं तो प्लीज लेट जाइए, ऐसे आपके लीडर का मोरल बढ़ेगा और बार बार अपने लीडर का नाम बुलाइए। अगर आप जीत गए तो खूब जोर से चिल्लाइए और अगर आप हार गए तो घर में कॉल लगा के अपनी मम्मी से पूछे कि क्या खाना बनाए। तो ये है सीक्रेट अपना गूदा बढ़ाने का। जल्दी मैं और अपलाइड नुस्खे आपके सामने पेश करूंगा, तब तक के लिए हैप्पी फैप।